हेलो फ्रेंड, मेरा नाम दीपक है। आज का टॉपिक है बायो एंजाइम कैसे बनाएं। बायो एंजाइम क्या होता है, बायो एंजाइम क्या ऐसे यूज करते हैं, बायो एंजाइम कहाँ कहाँ यूज किया सकता है, इन सब टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो बायो एंजाइम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें होती है एक प्लास्टिक की बॉटल, उसके बाद हमें कुछ छिलके चाहिए होते हैं, छिलके आप कोई भी ले सकते हैं, इसके बाद एक कूड़ चाहिए होता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा पानी चाहिए होता है। इन सब चीज़ों को मिला के हम बायो एंजाइम तैयार करें। बायो एंजाइम क्या है? बायो एंजाइम बेसिकली एक बैक्टीरिया से तैयार होने वाला एक कल्चर है, जिसको कि हम बायो एंजाइम बोलते हैं। बायो एंजाइम के लिए हमें अपनी रसोई में से जितने भी हम वेजिटेबल के छिलके होते हैं या फिर हमारे फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं उनसे हम तैयार करते हैं। इसके अंदर इतनी वैल्यू होती है कि जो हम अपने प्लांट्स के लिए जो हम सॉइल तैयार करते हैं उसके अंदर हम जो पोषक तत्व डालते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करके जो उसके पोषक तत्वों को जड़ जो जल्दी से जल्दी उसे ऑब्जर्व कर सके, तो उसको ये ब्रेक डाउन करके पार्टिकल्स को वो जड़ों को पहुंचाता है। ये काम होता है एंजाइम का। एंजाइम के लिए हम छिलके होते हैं, छिलके आप कोई भी ले सकते हैं। छिलका ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई हमें पर्टिकुलर कोई छिलके की जरूरत होती है। छिलका आप कोई भी ले सकते हैं, जिसमें हम वेजिटेबल्स पीस ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स के ले सकते हैं, या फिर हम हो सकता है जैसे हमें अगर पेस्टिसाइड बनाना है तो हम मिर्ची और गार्लिक का पेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं, या फिर गेंदे में एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड तैयार होता है तो गेंदे के फूलों को भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसका भी एक बहुत अच्छा बायो एंजाइम तैयार होता है। तो बायो एंजाइम बेसिकली एक मैन्योर है, जो कि लिक्विड मैन्योर होता है, जिससे कि हमारे पेड़ पौधों की एक जो ग्रीनरी है उसे बहुत जल्दी इन्हेंस करता है। प्लस ये जो हमारी सॉइल है उसको ज़्यादा एक्टिव करता है, जो कि जिससे हमारे जो हम हार्ड फॉर्म में जो हम सॉइल में हम वो डालते हैं, जैसे खाद डालते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट हो गया, लीव कंपोस्ट हो गया, या फिर हम जैसे और चीज़ें डालते हैं जिससे कि पोषक तत्व हमारे उसको मिलता रहे, तो वो जल्दी से जल्दी ब्रेक डाउन हो तो वो ये काम करेगा। इसके अंदर जब ये खाद में डालेंगे हम तो जब इसे सॉइल के अंदर मिलाएंगे तो ये अंदर जाके जो इसके पार्टिकल्स होते हैं जो इसके उसको ब्रेक डाउन करता है, फिर उससे जल्दी से जल्दी ये जो इसके गुण है हमारे जो खाद के वो सारे के सारे पौधों को मिलने स्टार्ट होते हैं, तो इस तरह से ये काम करता है। इसको आप चाहे तो पेड़ों के पत्तियों पे भी छिड़काव कर सकते हैं, इससे जो पौधों में जो खाना बनाने की जो ताकत होती है वो बहुत जल्दी बढ़ती है और ये ज़्यादा जल्दी से जल्दी बीमारियों से लड़ने की भी ताकत मिलती है, यानी कि इम्यूनिटी पावर इनकी अच्छी हो जाती है, ग्रीन टी बहुत अच्छी दिखने लगती है, और ये जो भी फल होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में मतलब जो हमारे ड्रॉप होते हैं फूल वो भी पच जाते हैं, तो फूलों में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका ये काम होता है। बस इसको बनाते कैसे वो देख लेते हैं। पर ये बॉटल जैसे मैंने ली है आधे लीटर की, आप भी ले सकते हो, जैसे देख रहे हो इसका ढक्कन छोटा है, तो इसी तरह से आप ले, क्योंकि इसमें हम नहीं चाहते कि दूसरे कोई हवा इसके अंदर जाए और वो इसको फंगस लगाए, तो इसलिए हम इसको ऐसा लेते हैं। फिर इसमें हमें छिलके चाहिए, अब छिलके कोई भी ले सकते हैं, जैसे संतरे में संतरे के छिलके ले रहे हो तो इसमें आप चाहे तो संतरे का भी ले सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं एक साथ, और या फिर और कोई जो सिट्रस फूड होते हैं जैसे खट्टे फूड भी इसमें होता है वो सब आप एक साथ डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप चाहे तो आप सब्जी के छिलके ले सकते हैं, या फिर केले के छिलके के बना सकते हैं, पपीते से बना सकते हैं, आप अनार से बना सकते हैं, जो भी आपके पास इजी अवेलेबल हो आप उन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही अच्छे कुछ इनके अपने गुण होते हैं, जो कि छिलकों में बहुत ज़्यादा, जैसे इसमें संतरों में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो छिलकों के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर वैल्यू होती है। उसके बाद हमें कुछ गुड़ चाहिए होते हैं, जैसे गुड़ में गुड़ आप कोई भी ले सकते हैं, गुड़ ऐसा नहीं है कि आपको बाजार से खरीद के लाना है, आपके पास अगर पुराना गुड़ पड़ा है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जीरो कॉस्ट ले पे तैयार हो जाता है। तो इसमें आप गुड़ आप अपने घर से कोई भी ले सकते हैं, जो आप यूज नहीं कर रहे, जो आप फेंकना है उस गुड़ का भी यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से आप इसमें ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, पानी आप कोई भी ले सकते हैं, रेगुलर पानी जो टैप वाटर होता है आप उसको लीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आरओ वाटर ही चाहिए, आप कोई भी नॉर्मल वाटर आप ले सकते हैं। तो इस तरह से इसे तैयार करते हैं। चलिए अभी से बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने कुछ छिलके पहले से छिलके काट के रखे हुए छोटे छोटे पीसेस में, आप इन्हें भी इस तरह से काट सकते हैं, तोड़ लें या कैंची से काट लें जैसे आपको ठीक लगता है, इस तरह से आप इसके छोटे छोटे पीस करें। छोटे पीस करने से ये होता है कि वो जल्दी से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, जितना बड़ा छिलका होगा वो उतनी देर लगाएगा, बॉटल के अंदर जाने में भी दिक्कत देता है,
इस तरह से आप कैदी से भी काट सकते हैं इसे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ आप इसका कोई साइज वाइज नहीं होता इसमें, जैसे आपको लग रहा है कि छोटे छोटे करने बस आपको, टेढ़े काटे, सीधे काटे, लंबे काटे, जैसे मर्जी आपको काटना हो वो काट सकते। जब आप ये छिलके पूरी तरह काट लें डालने को, उसके बाद आप इस तरह से गुड़ ले सकते हैं। गुड़ ऐसा नहीं है कि गुड़ ही लेना, पूरा भी ले सकते हैं। जैसे गुड़ ये लेकर आपको इस बॉटल के अंदर इसे डालना है, आपके पास बूरा है तो बूरा भी यूज कर सकते हैं। आप इसे गुड़ डाल दें, इसके बाद अब इसके बाद उन्हें उसमें पानी डालना होगा। अब पानी कितना डालना है वो भी आप देखें, पानी पूरा नहीं भरेंगे हम, पानी हमें पूरा नहीं भरना है, पानी को हमें सिर्फ आधा ही भरना होगा कि ये, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा गैस बनती है, तो गैस बनने के लिए भी हमारे को थोड़ा सा वो देखना होगा कि पूरा भर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस में छोड़ना होगा। मैंने इसको पूरा नहीं भरा, मैंने आधा ही छोड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें अब इतनी हमें स्पेस छोड़ना होता है, क्योंकि बोतल के अंदर अब जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ये इसमें बहुत ज्यादा गैस बनती है, तो गैस को ज्यादा पूरे अच्छे से बने और इसमें ज्यादा एकदम बोतल को ज्यादा नुकसान ना हो, तो इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। तो इसको इस तरह से हिला लें हम बोतल को, ताकि ये गुड़ जो हमने डाला है वो अच्छे से इसमें मिल जाए। इस तरह से अच्छे से एक बार हिलाते रहे थोड़ा सा, जब एक बार पूरा सब कुछ मिक्स हो जाए तो आपको बस एक ध्यान देना है कि आप हर दिन आपको इस बॉटल में से ढक्कन को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको रिलीज करना होगा, नहीं क्योंकि इसके अंदर जो गैस है उसे भी बाहर निकालना जरूरी है, वरना बॉटल कुछ टाइम बाद ही फट जाएगी। बोतल फटने का डर रहता है, तो इसलिए हमें इसको हर बार इसे हर दिन एक बार इसे खोलना होगा, खोलना पूरा नहीं, तो थोड़ा सा उसको ढक्कन खोलना है, जैसे हम पेप्सी या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जैसे हम लेते हैं तो उसको हम धीरे धीरे खोलते हैं, तो उसी तरह से हमें इसे खोलना, पूरा खोलना नहीं है, बस इसके इतने ध्यान रखना है कि हमें पूरी बॉटल का ढक्कन को ओपन नहीं करना, बस इसको थोड़ा थोड़ा खोलना है ताकि इसके अंदर की जितनी भी गैस है वो सब रिलीज हो जाए। ये आपको इस तरह से करते रहना है, एक महीने तक आपको इसको ऐसे लगातार खोलना होगा, धीरे धीरे ये जब आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद इसके टाइम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जैसे एक हम रोज खोल रहे थे, कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि हमें रोज खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गैस की धीरे धीरे बंद हो जाएगी, बनना कम हो जाएगी, तो फिर उसके बाद जब देखेंगे कि कभी एक दिन दो दिन में खोल रहे हैं, कभी फिर हमें तीन दिन होगा, ऐसे करते करते एक टाइम आएगा कि जब इसमें गैस बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, तब आपका ये तीन महीने में जाके तैयार होता है, तो तीन महीने तक आपको इसको वेट करना होगा। तीन महीने में इसको देखेंगे तो पूरा कम्प्लीट तैयार हो जाएगा, तो इसमें आपको यही है इसका मेन कि इसको जब रखें तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसको ज़्यादा धूप ना पड़े, पार्सल शेड मिलती रहे, चाहे तो इसे नॉर्मल कमरे में भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसे हमें पूरी धूप देनी है या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसको हमें जो करना है वो यही है कि इसका ढक्कन ओपन करते रहना है हर दिन, जब तक इसमें गैस बन रही है तो हमें इसको धीरे धीरे हर बार इसका ढक्कन ओपन करते ही रहना है। फिर आप देखेंगे कि इस तरह से इसके जो पार्टिकल्स हैं धीरे धीरे
ब्रेक डाउन होता जाएगा, कटते जाएंगे, छोटे छोटे होते जाएंगे, और ये जब तैयार होने लगेगा तो ये नीचे की तरफ बैठता जाएगा और इसका जो लिक्विड है, जो इसमें से जो रस निकला है, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। आपको अलग ही दिखने लगेगा कि वो इसका लिक्विड है, तैयार हो रहा है। ये 3 महीने में ये बिल्कुल एक पार्टिकल अच्छे से निकल जाएगा। फिर आप इसको छान के इसके जो रस है वो एक तरफ कर सकते हैं, और जो इसका वेस्ट आ जाएगा उसको आप अपने कंपोस्ट में डाल दें। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे बैक्टीरिया होंगे और इसके अंदर भी काफ़ी कुछ होगा जो आपकी कंपोस्टिंग को और थोड़ा फास्ट कर देगा। तो वो चीज़ का भी आपको ये देखें। इसको चाहे तो आप अपने सॉइल में भी मिक्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सॉइल में नहीं डालना, सॉइल में भी डाल सकते हैं। अब आप देखेंगे कुछ मेरे पहले से तैयार हैं, तो ये वो उनके कुछ दिखाने के लिए कि इस तरह से ये तैयार होता है। जब बन जाता है तो ये ऐसा दिखता है। इसके नीचे जो दिख रहा होगा, ये बनने के बाद जो इसका वेस्ट रह जाता है वो नीचे बैठ जाता है, बाकी ऊपर जो होता है वो इसका लिक्विड होता है। तो छान लेना, फिर वह जब इसे छान लेंगे तो आपको दिखेगा कि जो इसके वेस्ट है वो आप उसको अपने कंपोस्टिंग में डाल सकते हैं। कंपोस्टिंग में डालने से वो जो उसके कंपोस्ट होने में जो टाइम लगता है वो और थोड़ा फास्ट हो जाता है। इसको आप अपनी सॉइल में भी मिक्स कर सकते हैं। आप चाहे तो एक साथ भी बना सकते हैं इन सब पेस्ट सेट को छोड़ के, बाकी जो भी आप इस तरह का मैन्योर बना रहे हैं तो उसको आप एक साथ बना सकते हैं बायोएंजाइम को। आपको जरूरी नहीं है कि सिंगल सिंगल अलग अलग करके बनाना है। आप चाहे तो जितने भी आप ये हैं, बस सिर्फ आप ये जो गेंदे का है और ये जो मैंने आपको बताया था मिर्ची और लहसुन का, इन दो को अलग करना पड़ेगा, बाकी सबको आप मिक्स करके बना सकते हैं। क्योंकि सबका उसमें एक गुण जो होते हैं वो सब एक साथ आ जाते हैं। ये पेस्टिसाइड जो काम करता है ये एक सेपरेट ही बनता है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्ट्रांग होता है, ये कभी कभार यूज करना होता है। लेकिन ये जो होता है ये आप इसको अच्छे से यूज करें तो बहुत अच्छा है, इसको बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे हम सीवीड का यूज करते हैं, वो भी एक मल्टी न्यूट्रेंट वैल्यू होती है, तो हम ये फ्री में हम अपने घर पर बना के इसका यूज करें तो हमें जरूरत ही ना पड़ेगी इसकी। तो इसका आप चाहे तो इसका स्प्रे कर सकते हैं, जैसे बॉटल में आप इसको 1 लीटर पानी में आप चाहे तो 1 ml इसका ये डाल लें। अगर जैसे ज़्यादा पुराना हो गया तो 1 ml डाल लें, नहीं तो इसमें 3 ml आप इसको अपने उसमें 1 लीटर के पानी में डाल सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये 2021 का बना हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, तो इसका मैं सिर्फ 1 ml यूज करूँगा और इसके पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये 1 ml इसके लिए काफ़ी इनफ होगा। तो इससे मैं पूरे पेड़ पे स्प्रे कर दूंगा, तो इसकी पत्तियाँ जो होती हैं, इसको जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो ज़्यादा पत्तियों को चाहिए होती है, तो वो एकदम डायरेक्ट इसको मिल जाएगा। इससे जो इसको खाना बनाने के लिए जो फोटोसिंथेसिस की जरूरत पड़ती है वो इसको ईजिली हो जाता है, फास्ट हो जाता है वो काम उसको। इसके बाद अगर हम इसका सॉइल में मिक्स कर देंगे, इसके पानी को हम सॉइल में भी यूज करते हैं, तो सॉइल में जो हमने हार्ड फॉर्म में जो हमने खाद डाली थी और जो हमने अपने NPK के नाम पे, जैसे हमने नीम खली इसमें डाली होती है, खाद इसमें डाली होती है, कंपोस्ट डालते हैं, इसमें हम बोन मील भी मिलाते हैं या फिर स्टोन पाउडर मिलाते हैं, कुछ भी ऐसे भी हम इसमें जो चीज़ डालते हैं, हम जो चीज़ें डालते हैं तो उसको जल्दी से ब्रेक डाउन करने के लिए ये काम करता है। इसको अगर हम उसमें मिला के डालते हैं तो ये आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी सारे पार्टिकल्स को ब्रेक करेगा और जो इसकी जड़ों को एकदम जल्दी से जल्दी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलने स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि ये बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा और अच्छे फल प्रोड्यूस करेगा, फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। जो हमारे फल ड्रॉपिंग की समस्या आती है या फूल ड्रॉपिंग की ज़्यादा समस्या आती है तो वो इससे दूर होने लग जाती है। तो इसका यूज बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स है। जैसे कई बार तो लोग इसका यूज बहुत जगह करते हैं, आप इसका रूम फ्रेशनर की तरह भी यूज कर सकते हैं। जो सिट्रस फ्रूट के जो होते हैं जिसमें लेमन हो गया या फिर ऑरेंज हो गया, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसको अगर आप इस तरह से यूज करके आप 1 ml को 1 लीटर पानी में और पूरे घर में स्प्रे करेंगे तो एक बकीनी बनी थी, बड़ी प्यारी थी, खुशबू आती थी, एक रूम फ्रेशनर भी काम करता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड।